बिल्कुल जो ये रास्ता है ये सीधा रास्ता है, और ये सीधा रास्ता जो है कि जाता है कृष्ण जन्मभूमि। ठीक है, आपको मैं रास्ता दिखा देता हूँ। देखो जी, तो ये रास्ता है और वहाँ पर ऑटो वाले आपको उतारते हैं वहाँ से। ठीक है, बिल्कुल सीधे चल के आना है और ये रास्ता जो है कि बिल्कुल सीधे वहाँ पे जन्मभूमि मंदिर है। तो कोई भी इसमें बोलने वाली बात तो खैर है नहीं, बिल्कुल सीधे और 5 मिनट लगेंगे चल के हम लोग पहुँच जाएंगे अभी जन्मभूमि। मुझे उस ऑटो वाले भाई साहब ने यार बीच रास्ते में ही दूसरे ऑटो में ट्रांसफ़र करवा दिया, मतलब आराम से आराम से, मतलब जैसे बस अड्डे, वो जो ऑटो था वो मुझे बस अड्डे पर उतारता और फिर बस अड्डे से मैं दूसरा ऑटो लेके पहुंचता यहाँ पे। लेकिन बीच रास्ते में कोई उनको मिल गया होगा जान पहचान का जो आ रहा होगा जन्मभूमि की तरफ, तो भाई साहब ने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया अपने ऑटो से निकाल के, फिर उन जनाब के ऑटो में मुझे शिफ्ट करवा दिया और खैर फिलहाल जन्मभूमि पहुँच गए। जनाब स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, और ये जो व्लॉग है वो कृष्ण जन्मभूमि का जो है कि दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले तो जनाब स्वागत है आपका कृष्ण की नगरी कान्हा की नगरी ब्रज में, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पहुँच गया हूँ जी कृष्ण जन्मभूमि, और जो ये जन्मभूमि है यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो इनके मामा थे कंस मामा, राधे राधे जी। तो जो कंस मामा थे, तो कंस की ये नगरी बोल सकते हो आप, वैसे यहाँ पे कंस के कारागार में ही राधे राधे भाई, ये देखो छोटा भाई, कंस ने जो है कि कृष्ण के माँ बाप को, जो उनके फादर मदर थे, उनको बंदी बना कर रखा हुआ था अपने जेल में, और उसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो बिल्कुल सामने ही मेरे जो है कि गेट नंबर 1 कृष्ण द्वार, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ये गेट नंबर 1 है। ये भाई एंट्री की लाइन लगी हुई है, देख रहे हो, तो पूरा एंट्री का लाइन लगा हुआ है। तो हमें भी जाके दर्शन करने के लिए हमको भी जाके इसी लाइन में लगना होगा, लेकिन दर्शन करने से पहले और इस लाइन में लगने से पहले जो है कि हमें अपने जो हमारे पास जो गैजेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खास करके कैमरा हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ईयरफोन हो गया, चार्जर हो गया, लैपटॉप हो गए, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे जमा करना होता है, ये आप लेकर अंदर नहीं जा सकते हो। तो कैमरा, फ़ोन, चार्जर, लैपटॉप अगर आपके साथ में है, तो देखो जी यहाँ पे क्लॉक रूम है बना हुआ सामान घर, यहाँ पर आप उसको अपना जमा करवा सकते हो। बिल्कुल मामूली सा फ़ी है, मेरे ख्याल से 10 रुपये के आसपास है, तो मामूली सा फ़ी है, आप यहाँ पे जमा करवा सकते हैं और जमा करवा के फिर आप अंदर जाएंगे दर्शन करने। उधर गेट का और अलाउ नहीं अंदर। अच्छा, इधर का नहीं, अंदर का नहीं, आप नहीं चलाएंगे, आपको जो है उधर लेना हो तो फ्रंट में ले सकते हैं, इधर बस हो गया। मुझे यही बताना था कि यहाँ पे सामान अपना जमा करा सकते हैं, वो बता दिया। तो भाई हमने जो है कि दर्शन कर लिया भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि के अंदर, दर्शन हो गया हमारा। और तो आपको जो है कि वहाँ पे फ़ोन, कैमरा सब कुछ निकाल के रखने पड़ेंगे, आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो आपको रखने होते हैं, और फिर आप अंदर जाते हैं दर्शन करने। दर्शन करने के बाद आप, अच्छा पिछले व्लॉग में जो मैंने बताया था आपको, एक रेस्टोरेंट बताया था पिछले व्लॉग में, फिर कई लोगों के मेरे पास मैसेज हैं, कमेंट है कि वो मतलब एग्जैक्टली है कहाँ और डिस्टेंस कितना है। तो देखो, जो मंदिर है गेट नंबर 1, ये याद रखना गेट नंबर 1, और गेट नंबर 1 से निकल कर अभी देखो मतलब 2 मिनट लगे होंगे आपसे बात करते करते टहलते टहलते, और मैं भाई पहुंच गया उस भोजनालय में, देखो वो इधर है। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मतलब पास में ही है जो जन्मभूमि मंदिर है और जो भोजनालय है। तो जो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि भाई भोजनालय कहाँ है, तो भोजनालय बस 2 मिनट के डिस्टेंस पे है, मंदिर वहाँ और भोजनालय यहाँ। तो शायद अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है। अबे दिख रहे हो आप? राधे 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 राधे। यूट्यूब पे आएंगे हम लोग। अच्छा हाँ, न्यूज़ में नहीं, यूट्यूब पर आएंगे। तो भाई देखो, मंदिर वहाँ पे
दो मिनट चलोगे आप तो दो मिनट चल के आपको जो भोजनालय में बता रहा था वो देखो ये है जी, ये है भोजनालय, ठीक है। और काफ़ी ऑथेंटिक यहाँ पे जो टेस्ट आपको मिलेगा, और देसी बिल्कुल घी में बना हुआ और अनलिमिटेड है, ठीक है। और ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है यहाँ पे। एक बार जो रेट है, जो अभी जो रेट चल रहा है वो मैं बता के आपको कन्फर्म कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अभी क्या रेट चल रहा है। भैया अभी क्या रेट चल रहा है थाली का? अभी 100 रुपये की थाली है, ठीक है। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था 60 रुपये की थाली थी जब मैं आया था 2 साल पहले जी, अभी 100 रुपये की है। और एक बार ये मेनू दिखा दूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? और आपको मैं मेनू दिखा देता हूँ, ये देखो जी, ये दोपहर का प्रसाद है, ठीक है। रसेदार सब्जी, राजमा मसाला, सूखी सब्जी है, मेथी आलू, और ये देखो तो ये थाली है। और मैं जब भी मतलब यहाँ पर आता हूँ तो जब भी मतलब जन्मभूमि आते हैं दर्शन करने तो यहीं पर आकर मतलब मैं तो खाता हूँ यार, क्योंकि स्वाद जो है टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे थोड़ा खाली खाली सा है तो अपना जो मास्क है वो मैं निकाल सकता हूँ, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आप एक बार ट्राई करना, भोजनालय बिल्कुल पास में है और देसी घी में बनाते हैं, अनलिमिटेड है, कोई उसमें वो नहीं है कि एक्स्ट्रा रोटी के आपको एक्स्ट्रा चार्ज करने पर देने पड़ेंगे और सब्जी के अलग से देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 100 रुपये की थाली है, आपको पेट भर के आप जितना खा सकते हैं आप खा लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है और काफ़ी टेस्ट में अच्छा है। तो भाई मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा इस जगह को, आप अगर जन्मभूमि आए, आपको भूख लगता है कि आपको कुछ खाना चाहिए तो पास में ही भोजनालय गेट नंबर 1 के पास में, कहीं आप पीछे गेट नंबर 3 पे निकल जाओ फिर बोलो कि भाई भोजनालय तो था ही नहीं, गेट नंबर 1 के पास आपको आना है और ये भोजनालय है, यहाँ आप आ सकते हो और आप आगे खा सकते हो। फिलहाल मैं भोजनालय में नहीं बैठूंगा यार, क्योंकि मुझे फटाफट से निकलना पड़ेगा बांके बिहारी मंदिर के लिए, क्योंकि 12 बजे वो मंदिर बंद हो जाता है और अगर लेट हो गए तो फिर बांके बिहारी के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। फिलहाल भोजनालय में भोजन अभी नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना और नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम लोग चलेंगे वृंदावन, यहाँ से मैं जा रहा हूँ वृंदावन में बांके बिहारी, निधिवन, ये सब घूमेंगे, वो सब आप अगले ब्लॉग में देखेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। राधे राधे। It's the same.